नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। राशिफल 27 सितंबर 2021 क्या बोलते हैं आपके सितारे, ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। जानते हैं सुबह का संक्षिप्त पांचांग। सूर्योदय होगा 6:11 पर, सूर्यास्त होगा 6:12, शाम को तिथि है पष्टी नक्षत्र रोहिणी, वार सोमवार, चंद्र राशि वृषभ, अभिजीत मुहूर्त 11:47 से लेकर 12:35 दोपहर तक, राहु काल जो होगा 7:41 AM से लेकर 9:11 AM तक। यह समय आपके शहर आपके देश के अनुसार कुछ मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे उन लोगों के लिए जो लोग बड़े लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं, अपना मकान या अपनी दुकान नहीं बना पा रहे हैं और परेशान हैं। एक छोटा सा उपाय बताता हूँ, इसी नवरात्रों से शुरू कर दीजिएगा, बहुत लाभ होगा। जो भी लोग मकान बनाने की इच्छुक हैं, दुकान बनाने की इच्छुक हैं, अगर प्रयास फेल हो रहे हैं तो शुक्रवार के दिन से शुरू करें। शुक्रवार को किसी निर्धन व्यक्ति को कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा जितने आपका जेब अलाउ करे, किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराएं। उसका भूख लगी है तो उसको भोजन कराएं, उसके परिवार को भोजन कराएं और ये नियम बना लें कि हर शुक्रवार को करना है। उसके बाद शुक्रवार के बाद फिर आएगा रविवार यानी इतवार, तो संडे वाले दिन गाय को गुड़ खिलाएं। कितना खिलाना है, थोड़ा सा खिलाना है, ज़्यादा खिलाना है, एक नहीं चार गाय को खिलाना है, ये आपकी श्रद्धा है। तो शुक्रवार को किसी निर्धन को भोजन, भूखे को भोजन और रविवार को गाय को गुड़ शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए, जो काम पिछले कई सालों में आप नहीं कर पाए, मकान दुकान नहीं बना पाए, अब कुछ महीनों में बना लेंगे। छोटा सा सरल उपाय है, श्रद्धा और विश्वास की जरूरत है, करिए और आनंद लीजिए। बात करते हैं राशिफल की। मेष राशि, आप थकान और आलस के शिकार होंगे, आत्मविश्वास में फिर भी बढ़ोतरी होगी, काम करने की इच्छा होगी और काम कर भी लेंगे। आपके द्वारा लिया गया हर फैसला आपसे कड़ी मेहनत करवाएगा, कड़ी मेहनत के बाद रिजल्ट मिलेंगे। जीवन साथी से संबंध अच्छे बने रहेंगे, संतान की तरफ से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, बच्चों का मन पढ़ाई लिखाई में लगेगा। वृषभ राशि, आप जोश और हिम्मत से कुछ ऐसे काम करेंगे जो बहुत कठिन होंगे, यात्राएं लाभकारी रहेंगी, पैसों की स्थिति अच्छी रहेगी, आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर है, आपके स्वास्थ्य के प्रति आपको सावधानी रखनी है और आप वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो थोड़ा पॉकेट को देखते हुए बनाइएगा, आउट ऑफ पॉकेट मत चले जाइए। आपके संबंध आपके जीवन साथी से थोड़े से तनावग्रस्त हो सकते हैं, प्रेम संबंधों में भी छुटपुट लड़ाई हो सकती है, जो 17-18 साल के बच्चे हैं उनकी भी दोस्ती यारी में खटपट हो सकती है। मिथुन राशि, आज अच्छा दिन है, निश्चित रूप से आप समाज में मान सम्मान की प्राप्ति करेंगे, व्यापारियों को लाभ होगा, शेयर मार्केट में लाभ है, सट्टेबाजी में लाभ है, थोड़ा दिमाग लगा के करेंगे तो जबरदस्त लाभ है, आत्मनिर्भर होंगे, किसी के सहारे नहीं बैठेंगे, कुल मिलाकर आपके लिए प्रसन्नतापूर्वक रहेगा समय। सभी महत्वपूर्ण निर्णय अगर बहुत अच्छी तरीके से सोच विचार कर लिए जाएं, काम के हर पहलू को जांच पर रख लिया जाए तो एक अच्छा दिन और जबरदस्त सफलता भरा दिन मिथुन राशि वालों के लिए आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बात करेंगे कर्क राशि की। आपका खर्चा आज जो है वो थोड़ा अधिक होगा, आमदनी थोड़ी कम होगी, तो व्यर्थ के धन खर्च से आपको बचना होगा। छोटे भाई बहन से आपको थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो सकता है, बहस हो सकती है, जीवन साथी से रिश्तों में करवाहट आ सकती है, इसलिए स्वयं पर नियंत्रण रखें। व्यर्थ के वाद विवाद से बचे, वरना परेशानी घर में भी होगी, काम में भी होगी। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और पैसों का निवेश सोच समझ से करें। सिंह राशि, खर्चा थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, व्यापार में लाभ होने की संभावनाएँ हैं लेकिन बिगड़ी हुई स्थिति थोड़ी सुधरती हुई दिखाई पड़ रही है, लंबी यात्रा रद्द हो सकती है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में उनको आज किसी की मदद की आवश्यकता पड़ सकती है। आज जो लोग नौकरी और व्यापार करते हैं थोड़ी सी उन्हें कमजोरी नजर आएगी अपने फैसले लेने में, तो उनको किसी की सहायता लेनी पड़ सकती है। योजना बनाएं, दिमाग लगाएं और थोड़ा ठहर कर काम करें तो अच्छा रहेगा। जीवन साथी से या प्रेम संबंधों में या दोस्ती यारी में या कहीं पर भी पहले तोलें फिर बोलें। कन्या राशि, कार्य स्थिति अच्छी है, चिंताओं से मुक्ति मिलेगी,
आपके पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, आपको कुछ अच्छे और महत्वपूर्ण लोगों का साथ प्राप्त होगा, आपके रिश्ते सुधरेंगे, आपके काम सुधरेंगे, माता जी की सेहत का ध्यान रखिएगा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छी रहेगी, जीवन साथी के नाम पर संपत्ति मिल सकती है, ससुराल से लाभ हो सकता है, जीवन साथी की तरक्की हो सकती है, अगर वो नौकरी या व्यापार करते हैं या करती हैं, आप लोग अपने कामों में व्यस्त रहेंगे, मस्त रहेंगे और अच्छी तरीके से काम चलेगा, रोमांटिक भी रहेंगे, बढ़िया आनंद लेंगे वक्त का। तुला राशि, आपके लिए दिन शुभ दिन है, उम्मीद से अधिक धन कमाएंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, अपने जीवन साथी के साथ अच्छे वक्त बिताने के लिए आपको उनसे अच्छी और मीठी बातें करनी चाहिए। आप जरा सी गड़बड़ करेंगे तो रिश्ते खराब हो सकते हैं। आपकी संतान आपको शुभ समाचार सुनाएगी, आपकी संतान को पुरस्कार मिल सकता है, आपको खुशियां मिल सकती हैं। स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखिएगा, कुछ छोटी मोटी मानसिक परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन फिर भी दिन धन के मामले में, काम के मामले में बढ़िया रहेगा। बात करेंगे वृश्चिक राशि की, वाहन चलाते हुए सावधानी रखें, हर कार्य करते हुए सावधानी रखें, पैसे का निवेश करते हुए सावधानी रखें, शेयर मार्केट में पैसा लगाते वक्त सावधानी रखें, खरीदते वक्त बेचते वक्त सावधानी रखें, जीवन साथी से बात करते वक्त सावधानी रखें, फालतू के झगड़ों में ना पड़े इस बात की सावधानी रखें, अनावश्यक वाद विवाद से बचने में सावधानी रखें, अशुभ समाचार मिलने से टेंशन बढ़ सकती है, प्रेम संबंधों में आज का दिन सामान्य रहेगा। एक सावधानी भरा दिन बिताएंगे वृश्चिक राशि वाले तो सुखी रहेंगे, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, और बच्चे बुरी संगत से बचने की कोशिश करें। धनु राशि, आज के दिन जीवन साथी का साथ और सहयोग प्राप्त होगा और उत्तम दिन है, निश्चित रूप से आपको सहयोग मिलने वाला है, रोमांटिक मूड होगा, पढ़ाई लिखाई बच्चों की अच्छी है, व्यापार में साझेदारी अच्छी है, उन्नति और प्रगति के अवसर मिलेंगे, जमा पूंजी बढ़ाने के लिए दिन श्रेष्ठ है, शेयर मार्केट में निवेश करना शुभ नहीं होगा, शॉर्टकट से पैसे कमाने के चक्कर में हानि हो सकती है, आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, खाने पीने के मामले में सावधान रहें, रोजाना नियमित व्यायाम और वक्त पर दवाएं लेते रहें, महिलाओं से प्यार से बात करें। मकर राशि, आपका दिन विद्या प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है, नौकरी करने वाले लोग अपना कार्य पूर्ण आत्मविश्वास के साथ करेंगे, आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आपके मन में प्रसन्नता का भाव और उत्साह बना रहेगा, किसी पारिवारिक या सामाजिक उत्सव में भाग लेने जा सकते हैं, व्यापारी लोग अपने व्यापार या उन्नति के उद्देश्य के लिए यात्रा करेंगे तो लाभकारी रहेगी, खेल कूद में जो भी लोग हैं उनको अच्छे रिजल्ट आज मिलेंगे। कुंभ राशि, आज का दिन विद्या में सफलता प्राप्ति के लिए बढ़िया है, नौकरी करने वाले लोग पूर्ण आत्मविश्वास के साथ काम करेंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन में प्रसन्नता का भाव बना रहेगा, किसी पारिवारिक या सामाजिक उत्सव में भाग लेने जा सकते हैं, लोगों से मिलना जुलना हो सकता है, गेट टूगेदर हो सकता है, खिलाड़ी लोग अपने खेल में अच्छा करेंगे, जीवन साथी का साथ मिलेगा, परिवार का साथ मिलेगा, ससुराल से लाभ मिलेगा, विवाहित हैं तो कुंवारे हैं तो कहीं बात चल सकती है, विदेश से भी कोई अच्छी खबर मिलने की संभावना है। बात करेंगे मीन राशि की, आज के दिन तनाव और समस्याओं से मुक्ति पालेंगे, आज का दिन आप परिवार वालों के साथ अच्छा वक्त बिताएंगे, आनंदित रहेंगे, किसी सामाजिक या किसी छोटे मोटे फंक्शन में जा सकते हैं, वाहन इत्यादि खरीद सकते हैं, किसी का बर्थडे या किसी की शादी की सालगिरह है तो वहां पर आप जा सकते हैं, एक अच्छा दिन है, माता जी से संबंध अच्छे बने रहेंगे, माता जी की से सहयोग से धन प्राप्ति होगी, पैतृक संपत्ति में आपको लाभ होगा, आपकी जमा पूंजी आज बहुत बढ़ने वाली है, तो मीन राशि वाले भी आज एंजॉय करेंगे रिश्तों से लेकर पैसों के मामले में। तो ये था 12 राशियों का राशिफल, उम्मीद करता हूँ एक छोटे से राशिफल में एक आगे आने वाले दिन की एक रूपरेखा आपको समझ में आ गई कि आप कैसे क्या कर पाएंगे और वक्त की हवा जो है वो किस तरफ है। तो उम्मीद करता हूँ आपका दिन बहुत बेहतर बीते, जीवन में कोई समस्या है तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार।